नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे चार्टिंग के स्कैनर को कैसे यूज करते हैं और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि चार्टिंग पर आप अपना खुद का स्कैनर कैसे बना सकते हैं, जैसे ईएमए क्रॉसओवर, मैकडी क्रॉसओवर या फिर कोई भी प्राइज एक्शन बेस्ड स्कैनर आप कैसे बना सकते हैं। तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा। सबसे मेन जो टॉपिक आता है कि चार्टिंग स्कैनर हमें चाहिए क्यों आखिर। देखिए, मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक हैं और मान लीजिए हमारी स्ट्रेटजी में 50 ईएमए है कि भाई 50 ईएमए के ऊपर कोई भी स्टॉक्स आता है तो ये हमारे पास निकल के आ जाए। यदि आप 5000 स्टॉक्स को वन बाय वन चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको तकरीबन एक दिन पूरा लग जाएगा। लेकिन इसी चीज को आप यदि स्कैनर के फॉर्म में, कोडिंग के फॉर्म में आप कर देते तो आप सिंगल बटन दबाने के बाद आपको एक सेकंड में वो 3 से 4-5 स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए हमें एक स्कैनर की जरूरत पड़ती है। हम चार्टिंग की वेबसाइट पे आ गए हैं। आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो आप जीमेल आईडी से अपना लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन कर लेंगे, इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको सबसे नीचे जाएंगे तो चार्ट, स्कैनर ना सारी चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये चार्टिंग स्कैनर का खुद का अपना एक ट्रेडिंग चार्ट है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मंथली टाइम फ्रेम चाहिए, डेली टाइम फ्रेम चाहिए, या फिर आपको कोई इंडिकेटर लगाना है, या फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को बदलना है, वो सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट, स्क्रीन पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट काफी सारे स्कैनर बने हुए मिलेंगे। जैसे कि फंडामेंटल बेस पे है, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे लाइक किया है तो उसके बेसिस पे भी हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे भी हैं, जैसे कि हमारी डोजी कैंडल हो गई, हैमर कैंडल हो गई ना, मारुओजो कैंडल हो गई, तो इस तरीके से भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे काफी सारे स्कैनर बने हुए हैं। रेंज ब्रेकआउट जैसे NR7 करंट डे, मतलब कि NR7 की पिछली 7 जो कैंडल है उन कैंडल की रेंज जो ब्रेकआउट कर रही है आज के दिन में, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे स्कैनर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने NR7 जो स्कैनर है उस पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे स्कैनर बना बनाया आ गया और साथ ही साथ जो भी स्टॉक्स अभी निकल के आ रहे हैं वो सारे स्टॉक्स भी यहाँ पे निकल के आ गए। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी फीचर्स ये भी है कि यहाँ पे प्रीवियस जो हिस्टोरिकल डाटा है, जो बैक टेस्टिंग डाटा है, वो भी अवेलेबल रहता है, तो आप इसको भी जाके चेक यहाँ पे कर सकते हैं। और यदि आपको इसको डाउनलोड करना है CSV फाइल में तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। देखिए, यदि ये जो जैसे ATI अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड स्टॉक्स निकल के आया या फिर पीडीलाइट इंडस्ट्री यहाँ पे निकल के आया, तो यदि आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे चार्ट भी ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर गाइस, यहाँ पे इन्होंने एक AI फीचर्स भी डाला हुआ है। जैसे आप कुछ भी चीज यहाँ पे लिखते हैं कि भाई EMA इतने मूविंग एवरेज स्टॉक जो है 50 EMA के ऊपर होना चाहिए या फिर 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, तो वो चीज भी यहाँ पे स्कैनर आपको ऑटोमेटिक बन के निकल के आ जाता है ना। तो इन दोनों फीचर, ये काफी अच्छा फीचर है जो AI वाला इन्होंने डाला हुआ है। और स्कैनर्स को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 52 वीक लो। अब ये जो यदि आप मैनुअली किसी स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा, लेकिन जैसे ही आप स्कैनर आपको मिलता है तो वही चीज हमारी कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे निकल के आ जाता है। 52 वीक यदि आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे स्टॉक्स यहाँ पे 52 वीक के लो पर हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सेगमेंट सिलेक्शन का ऑप्शन है कि आपको किस सेगमेंट में यहाँ पे स्टॉक्स चाहिए, है ना। तो आपको बैंक निफ्टी या फिर फ्यूचर या फिर इंडाइसेस, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे निकल के आ जाती है। जैसे आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स चाहिए या फिर निफ्टी 200 के स्टॉक्स चाहिए या फिर आपको निफ्टी 250 के स्टॉक्स चाहिए, तो वो चीज भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको रन स्कैन यहाँ पे करना है, देन आपके पास यहाँ पे वो स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। ये देख सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे 250 निफ्टी 250 करेंगे और यहाँ पे वो स्टॉक्स निकल के आ गए। आप यहाँ पे यदि चाहें तो अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हैं, उस वॉच लिस्ट में आपकी खुद के स्टॉक रहेंगे। उससे क्या होगा कि अननेसेसरी दूसरे स्टॉक्स नहीं आएंगे, आपकी खुद की वॉच लिस्ट के ही स्टॉक्स फिल्टर होके आएंगे। अब थर्ड ऑप्शन गाइज, यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड का आता है। डैशबोर्ड में गाइज आपको यहाँ पे काफी सारे स्कैनर, जो भी स्कैनर आप बनाते हैं वो सारे स्कैनर यहाँ पे आपके सेव होते हैं। जिस भी नाम से आप स्कैनर बनाते हैं वो सारे स्कैनर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी स्कैनर आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और लास्ट में गाइज यहाँ पे डार्क का ऑप्शन है, लाइट का ऑप्शन है, वो चीज भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक EMA बेस्ड स्कैनर को बना सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। सो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So, thank you so much.